नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं एसकेडी ऑल इन वन, इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब चैनल। डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलती हैं। तो गाइज़, आज फिर से मैं एक बहुत बड़े खुलासे के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल पे देखा होगा कि पैसा ग्रुप के वापस आने के चांसेस बढ़े, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो होने जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। और आप 2020 आने वाला है, तो गाइज़ आप लोगों के क्या रेजोल्यूशंस हैं, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं 2020 को? भी 2019 की तरह ही डिजिट चेंज हो रहा है, ऐसा करना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे कि आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार साल रहे? क्योंकि अब ओनली 2-3 दिन ही बच गए हैं 2020 आने में। तो मैं इस पर भी एक वीडियो आप लोगों के समक्ष पेश करूँगा कल। तो गाइज़, आज का जो टॉपिक है वो पैसा ग्रुप के ऊपर होने जा रहा है। जो चंडीगढ़ मोहाली फेस 7 से ये सिस्टम चल रहा था, इसके ओनर मिस्टर बोपरॉय जी इसके ओनर थे, और इनके एक सो कॉल्ड ब्रदर गुरी इनके साथ थे, जो कि ये दोनों लोग क्या, इनकी इवन पूरी फैमिली ही, इनकी सिस्टर्स वगैरह भी थी, कज़न या पता नहीं किस तरीके की सिस्टर थी, आई डोंट नो। ये सारे लोग मिलकर के काम कर रहे थे, प्लान लॉन्च किया इन्होंने। सबसे पहले ये लोग गारमेंट्स पे काम किए, पहले ये लोग गारमेंट्स के तौर पे टी शर्ट और लेडीज़ सूट ये लोग प्रोवाइड करते थे। उसके बाद इन्होंने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे काम शुरू किया, और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की जो प्राइस थी लाइक टचिंग द स्काई, इस तरीके की प्राइस इन लोगों ने रख दी। लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लगी। जब लोगों ने फीडबैक देना शुरू किया तो ये अपने तरफ से कुछ दूसरी चीज़ें ही बोलने लगे, मतलब अल्टीमेटली ये लोगों की नहीं सुने। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर कोई कंपनी या कोई सिस्टम कामयाब होना चाहता है तो उसने वहाँ पे लोगों की सुनना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं हुई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। लोग ज्वाइन किए, लोगों ने लाखों लाखों रुपए भी लगाए, लोगों ने 2-2 लाख रुपये, 1.5-1.5 लाख रुपये, 1,80,000, 50,000, इस तरीके से 20,000, 5,000, 1,000, इस तरीके से लोगों ने अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया। और जिन लोगों ने 50,000 या उससे ऊपर का अमाउंट इन्वेस्ट किया, उन लोगों से बोला गया कि आपको प्रोडक्ट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको 3 साल और 5 साल के लिए आप कंपनी के टर्नओवर की हिस्सेदारी में आ जाएंगे। अगर आप एक सर्टेन, इन्होंने एक बिज़नेस लिमिट दे दी कि इतने का बिज़नेस अगर आप करते हैं इतने समय के अंदर में, तो आपको, आप इतने साल के लिए कंपनी के टर्नओवर का 5% और 10% का आप हिस्सा होंगे। स्टार्टिंग में इन्होंने ठीक ठाक सा अमाउंट दिया, करीबन 8,000 रुपये के करीब भी इन्होंने स्टार्टिंग में देना शुरू किया, लेकिन धीरे 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 वो 100 रुपये के करीब तक आ गया। 12 महीने में 3 करोड़ की बात करने वाला इंसान मिस्टर बोपरॉय, लोगों ने तो 3 करोड़ नहीं बनाया, लेकिन इस आदमी ने 12 महीने में नहीं, 3-4 महीने में ही 3 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। क्यों? क्योंकि जब ये एफएमसीजी प्रोडक्ट मार्केट में ले करके आए, तो गाइज उस टाइम में क्या हुआ, लोगों से बिना बताए हुए इन्होंने प्रोडक्ट की प्राइसिंग में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट कर दिया कि लाइक नॉर्मल पीपल कांट अफोर्ड। कोई नया आदमी भी बिज़नेस में एंटर करना चाहता है तो वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग देख करके बहुत घबरा जा रहा था। कोर टीम के द्वारा फीडबैक देने पर भी बोपरॉय ने कुछ भी नहीं सुना और अपनी ही करता चला गया, जिसकी वजह से आज सिस्टम क्रैश हो गया या क्या हुआ ये भी नहीं पता, बोपरॉय कहाँ है ये भी नहीं पता। कल मेरी व्हाट्सएप के ज़रिए गुरी से बात हो रही थी, बोपरॉय का ब्रदर, तो मैंने मैसेज किया था कि हम एक्चुअली जिस सिस्टम में अभी वर्किंग हूँ वहाँ पे मेरा 90,000 का पे आउट बना था 1 वीक का। तो हमने कहा कि हम कहीं भी काम कर करके पैसा बना सकते हैं, हम हार्ड वर्कर हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, वी आर नॉट स्कैमर्स। तो रिप्लाई आया था, हु सैड यू आर स्कैमर्स करके, इस तरीके से रिप्लाई आया। उसके बाद मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा बहुत सारे लोगों के प्रोडक्ट भी डिलीवर नहीं हुए थे, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? तो उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया गुरी ने। तो गाइज इस तरीके से अगर कोई किसी कंपनी का मैनेजमेंट चल रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो कंपनी कहाँ तक जाएगी और उसके लोग वहाँ पे कहाँ तक सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, राइट? अगर लोग उस कंपनी के अंदर नहीं है तो फिर उस कंपनी का भी कोई वजूद नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए लोग ही मैटर करते हैं, राइट? कोई भी कंपनी, इवन मैं डायरेक्ट सेलिंग की ही बात नहीं कर रहा, मैं ट्रेडिशनल की भी बात कर रहा हूँ। अगर कोई कंपनी आप स्टैंड कर रहे हैं
तो वहाँ पे भी आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल का होना ज़रूरी है, कुछ डेडिकेटेड ट्रस्टेड लोग होना ज़रूरी है जो उस सिस्टम को, उस कंपनी को आगे लेकर के जाएं, राइट। तो ये चीज़ें वहाँ देखने को नहीं मिली। बहुत सारे लोग कंपनी के ऑनर से मिलने के लिए ऑफिस में विज़िट भी किया, मुलाकात भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन एट द एंड जो सुनवाई हुई उसमें यही हुआ कि आज पैसा ग्रुप मार्केट के अंदर स्टैंड नहीं करता। लेकिन अगर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर अभी पैसा ग्रुप स्टैंड कर रहा होता तो आज कुछ लीडर यहाँ से करोड़पति भी बन चुके होते, जो कि बोपरॉय नहीं चाहता था। ये 4 साल से इसी तरीके का ड्रामा मार्केट में कर रहा है जैसा कि सुनने में आया, लेकिन फिर फाइनली फील भी हुई ये चीज़ें बातें, और प्रैक्टिकली पता भी चली कि हाँ ये आदमी स्कैम करता है और ये लीगल तरीके से स्कैम करता है लोगों के साथ। बहुत सारे लोगों के प्रोडक्ट नहीं आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली, लोगों को टर्नओवर का पैसा नहीं गया, 5% 10% का, किसी को 2 महीने आया, 3 महीने आया, किसी को 4 महीने आया, उसके बाद वो पैसा मिलना ही बंद हो गया। क्यों? क्योंकि मिनिमम 100 रुपये का विड्रॉल लगता था, फिर एक समय ऐसा आ गया कि 100 रुपये से भी कम का अमाउंट लोगों को बनने लगा, तो 100 रुपये से कम का अमाउंट तो जाना था नहीं। उसके बाद अगले महीने से इन्होंने पे आउट देना ही बंद कर दिया। मैनेजमेंट में जो टीम बिठाई थी उस टीम की छुट्टी कर दी इन्होंने, बहुत सारे लोग बिठा रखे थे वहाँ से लोगों को सैलरी दे करके उनको उनके घर भेज दिया गया। वो कोई आदमी कहीं दूसरी जगह, कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया, कोई कहीं ज्वाइन कर लिया, कोई कुछ कर लिया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। तो इसी तरीके के इश्यूज़, इसी तरीके की प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर आई, और बोपरॉय जी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जेब ऑलरेडी गर्म हो चुकी थी, वो करोड़ों में खेल चुके थे, और बहुत सारे लीडर्स जो परेशानी में थे उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था। तो कुछ लोगों ने इस तरीके से भी छोड़ दिया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ब्राइट फ्यूचर है जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताता हूँ, लेकिन इस तरीके के जो लोग मार्केट के अंदर आ रहे हैं वो आज मार्केट को बिल्कुल ही चेंज कर दे रहे हैं, और लोगों का जो नज़रिया है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के वो भी नेगेटिव हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से, अगर आप बोपरा और गुरी में से कोई भी मेरी इस ऑडियो को, वीडियो को सुन रहा है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि किसी गरीब की बद्दुआ भी लगती है। अभी आपकी जेब में करोड़ों रुपए आ गया, लेकिन वो करोड़ों रुपए कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी हेल्थ में इश्यूज़ आ सकते हैं, आपकी फैमिली के साथ कोई इशू हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, तो इस चीज़ को भी फेस करने के लिए रेडी रहें। कभी किसी आदमी के साथ गलत ना करें, एटलीस्ट जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया था उन लोगों का प्रोडक्ट एटलीस्ट उनके घर चले जाए, जिससे कि उनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन तो हो कि हाँ एटलीस्ट जो भी पैसा मैंने मार्केट में लगाया था वो पैसा, उस पैसे का एटलीस्ट मुझे कुछ ना कुछ मिल चुका है। एक थोड़ा बहुत दिल से, मतलब अंदर से आवाज़ आई कि हाँ जो पैसा मैंने लगाया उस पैसे का मुझे प्रोडक्ट मिल गया। तो गाइज़ बहुत अच्छे अच्छे और बहुत बड़े बड़े लीडर हमारे साथ इस सिस्टम में थे, और आज वो सारे लीडर इधर उधर हो चुके हैं जस्ट वो बोपरॉय जी की वजह से, क्योंकि बहुत से लोग एज अ करियर इस सिस्टम को कर रहे थे, और आज सिस्टम क्रैश हो चुका है। क्या हो चुका है, सिस्टम कहाँ है, कैसे है, क्या चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। एक लीगल वे में प्री प्लानिंग स्कैम जिसको कहते हैं, वो पैसा ग्रुप ने किया, और स्पेशली वो बोपरॉय जी ने किया। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लीडर्स के यहाँ पे चेक हैं, 5,97,030 रुपये का भी चेक बना हुआ है, और ये चेक 1 वीक का है गाइस। तो थोड़ा सा आप लोगों को सोचने की हिम्मत ज़रूर करें, और सोचने सोचना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को, किसी भी कंपनी को, या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले या किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आप उसके बारे में सोचें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, अपनी तरफ से भी आप थोड़ा सा उसमें सर्च आउट करें, और यूट्यूब की वीडियोस पे ज़्यादा बिलीव ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी को किसी की फेक वीडियोस भी बना देते हैं, राइट। तो यूट्यूब के अंदर वीडियोस भी किसी इंसान के द्वारा ही बनती हैं, राइट, वो कोई डायरेक्टली आपको ऑफिशियल यूट्यूब की तरफ से नहीं आती। अब ऑफिशियल यूट्यूब की तरफ से आएगी तो वो कितने लोगों को वीडियो भेजेगा, राइट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हुई, आप लोग कोई भी कंपनी का चुनाव करने से पहले सोच समझ के स्टेप लीजिएगा, और अगर आप जानना चाहते हैं मैं क्या करता हूँ, स्पेशली मैंने कैसे 2019 के अंदर में मोर देन 18 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है डायरेक्ट सेलिंग के ज़रिए, सबसे बड़ी बात ये घर में रहते हुए मैंने किया है, मैं कहीं गया नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई सेमिनार नहीं, 12-13 हज़ार लोगों का ग्रुप साइज क्रिएट किया, 14-15 स्टेट में टीम चल रही है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया आप
जो भी लोग जानना चाहते हैं मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे मैं फ्री हूँगा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अगर कॉल पे बात करनी होगी तो हम ओवर द कॉल भी बात कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। राइट, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी गाइस, चीज़ें समझ में आई हैं तो डू गिव इट अ थम्स अप, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से स्कैम हो रहा है मार्केट के अंदर उन लोगों को पता चले। राइट, तो मैं वीडियो को यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, थैंक यू सो वेरी मच गाइस, आई लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।